नमस्कार, घर का शेफ राम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो बनाएंगे उसको कहते हैं तिलौरी। कुछ लोग इसको तिलौरी कहते हैं, कुछ लोग मुरौरी कहते हैं, कुछ लोग कचरी कहते हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से ये बनाया जाता है। तो चलिए आज उसके लिए जो भी सामान लगता है हम लोग देख लेते हैं। ये चावल का आटा है, ये हाफ कप है, हाफ टी स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून ये व्हाइट वाला तिल है और 1/2 टेबल स्पून जीरा है, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल है। आप चाहिए तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो इसमें नमक हम लोग कम ही रखते हैं, आटे के हिसाब से हम लोग नमक रखते हैं क्योंकि ये बनने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। एक कढ़ाही लेते हैं, इसमें चावल का आटा डालते हैं और ये नमक डालते हैं और इसमें पानी डालते हैं। तो ये जो चावल का आटा है हम लोग इसका 4 भाग पानी डालेंगे। देखिए, 1/2 बाउल चावल का आटा था तो 1, 2, 3 और ये 4, इसका 4 भाग पानी डालेंगे हम लोग। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं, इसकी सारी गुठलियां खत्म हो जाएं। देखिए, इसकी गुठलियां खत्म हो चुकी हैं। अब इसमें ये रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ और इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। गैस पे चढ़ाते समय पहले इसको एकदम अच्छे से मिला लेना चाहिए, इसकी सारी गुठलियां खत्म हो जाए तभी गैस पे चढ़ाएंगे। देखिए, इसको ऐसे चलाते रहेंगे इसको लगातार, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा। इसको चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा जमने लगा है। अब इसमें हम लोग ये तिल डाल देंगे। तिल ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, जब ये भूनता है तेल में तलते हैं इसको तो बहुत अच्छा लगता है देखने में और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और ये जीरा भी डाल देंगे। चावल का आटा आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है मार्केट में तो आप घर पे भी बना सकते हैं चावल का आटा। इसको ऐसे चलाते हुए गाढ़ा होने तक थोड़ा सा और पकाएंगे। अभी देखिए हो चुका है। अब हम लोग गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और बाकी को ढक के रख देते हैं। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग इसमें थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। अच्छी तरीके से हल्का सा लगा लेते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया। इसको हाथ से ऐसे ऐसे पहले कर लेते हैं। देखिए, अब ऐसे इसमें से थोड़ा सा लेते हैं। अब ऐसे अपने हिसाब से जो साइज आपको चाहिए उस साइज से इसके चारों तरफ ऐसे बनाते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आपको बनाना है। इसी तरह सभी बना लेंगे हम लोग। देखिए, अब इसको 2 से 3 दिन का धूप दिखाएंगे। वैसे ये 2 दिन के धूप में हो जाएगा लेकिन फिर भी हम लोग 3 दिन का धूप दिखाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सूख चुकी है, 3 दिन हो गया। मैंने इसको 3 दिन धूप में दिखाया है। अब इसको मैं स्टोर करके रख दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको तल के दिखाती हूँ। ये भी देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग इसको डालते हैं। देखिए कितना बड़ा हो गया ये फूल के। इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा ये तल गया है, बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, ये बहुत सॉफ्ट है ये। तो इस तरह आप भी बनाइए। इसको आप कहीं भी बाहर सफर में लेके जा सकते हैं, घर में भी कुछ हल्का फुल्का खाना है तो आप इसको खा सकते हैं। कोई गेस्ट आ गया अचानक तो उसको भी चाय के साथ तल के दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अगर इसके बारे में कोई भी कमेंट हो तो आप मेरे चैनल पर लिख के पूछ सकते हैं। देखिए, मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।